क्या हाल चाल है आप लोगों का? बस ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा जी, चलें। एक्चुअली मैंने आप लोगों को ये मैसेज तो किया था कि ऑफिशियल भी आपका वो बनाया है मैंने अकाउंट, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने उसको ज्वाइन किया हुआ है। तो बेसिकली लेट मी ऐड इट इन टू द अनाउंसमेंट। मैम, एक्चुअली जो बाकी क्लासेस है ना, वो भी इसी अकाउंट पे है, तो वो फिर स्विच करना पड़ता है। नहीं, लेकिन क्या मतलब, मेरी मैंने तो ये अब खुद से बनाया है ना, तो ए मैथ वाले पे तो नहीं होगा, बिकॉज आपका फाइनल एग्जाम जो है वो उसी वाले अकाउंट पे होगा। फाइनल नहीं, जो आपने अकाउंट्स हमारे ऐड किए हैं वो तो अब मास्टर्स के हैं ना, तो जो हमने ऑलरेडी जिनसे ज्वाइन किया हुआ वो पहले के अकाउंट्स हैं, तो उन्हीं अकाउंट से हमने दूसरी क्लासेस में भी लॉग इन किया हुआ है। इट डजेंट मैटर, आपको जो मैंने नई टीम बनाई है ना, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से किया हुआ है, तो यू शुड बी एबल टू ज्वाइन दैट, ठीक है? और उसके बाद जो है वो चलें, ये मैं खैर वो करूंगी, क्योंकि ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल के लिए एवरीवन विल हैव टू मेक द अकाउंट विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर्स। तो इस अकाउंट पे जिससे मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ ना, क्योंकि इसमें यू आर ऑल एडेड एज गेस्ट, सिवाय कुछ लोगों के जिनको पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हुए थे, बिकॉज वो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं आईएसटी में। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर लेट मिले हैं ना, तो अगर आप ऑफिशियल मतलब ईमेल की बेसिस पे आपके फाइनल एग्जाम्स नहीं होंगे, सो यू नीड टू आप लोगों को कुछ इनविटेशन या कोई इस तरह की ईमेल तो आई होगी ना, कि जिसमें आपको पता चला होगा कि दूसरे भी आपके पास अकाउंट बना है एमएस टीम्स का, राइट? जो ऑफिशियल के नाम से मैंने बनाया, मैंने फिर आप लोगों को टेक्स्ट भी किया था व्हाट्सएप के ऊपर जो है, सो यू हैव टू ज्वाइन दैट अगले अगली दफ़ा से। और कुछ लोगों ने मेरा ख्याल है ज्वाइन किया भी है, अभी मैंने वहाँ पे मीटिंग स्टार्ट की थी पहले, लेकिन ये कि सब लोग नहीं थे तो दोबारा मैं यहाँ स्विच कर गई हूँ। सो अनाउंसमेंट में चले मैंने उसको ऐड नहीं किया हुआ, बट आई एम रीइटरेटिंग कि आप लोगों ने जो है वो अगली दफ़ा से मैंने क्लास उसी अकाउंट पे लेनी है, ठीक है? सो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उस पर लॉग इन हो सकेंगे यहाँ पर जो है वो, या बस आप उसको ज्वाइन कर लें जो ऑफिशियल के नाम से मैंने एक AEM का वो बनाया हुआ है, ठीक है? लेकिन सब कर अदरवाइज लें जी हम, जी ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जैक्टली, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर ज़्यादा लेट मिले थे, आप लोगों को नहीं मिले थे, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि शुरू में ही बना लूँ ये अकाउंट जो है ऑफिशियल पे। तो लेकिन द रीज़न इज़ कि मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, इट सीम्स लाइक द सेम थिंग कि आप लोग जी अपने ई मेल एड्रेस से करें या रजिस्ट्रेशन से, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल एग्जाम में इट हैज़ टू बी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नंबर। आईएसटी जो है वो फाइनल एग्जाम अगर आप वरना नहीं हो सकेगा आपका। सो अगला दो तीन अब लेक्चर्स रह गए हमारे, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट होगा जो कुछ भी अब होगा कम्युनिकेशन, वो उस अकाउंट के थ्रू ही हो, उस टीम के थ्रू ही होगी जो कि मैंने ऑफिशियल बनाई हुई है, ठीक है? लेकिन आज का लेक्चर खैर हम इस पर कर लेते हैं। अच्छा ओके, सो दीज आर द कॉन्टेंट्स ऑफ टूडेज लेक्चर। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने जो है वो पिछला लेक्चर देखा है प्रॉबेबिलिटी का कि नहीं देखा है, बट यू शुड हैव वॉच्ड इट, क्योंकि प्रॉबेबिलिटी के चार लेक्चर्स ही हैं जो टोटल हम करेंगे, एंड वी विल बी टचिंग अपॉन डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग आगे जब यूज़ करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस में तो वहाँ पे काम आ रहे होंगे। सो ऐसा नहीं है कि हम पूरी प्रोबेबिलिटी को थॉरली पढ़ेंगे। जिस तरह एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगी हर टॉपिक से रेलिवेंट, और बुक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है, तो उस बुक से इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो खुद देख के करें एज अ प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ ये कि मैंने आप लोगों के मिड टर्म्स ग्रेड करके वापस कर दिए हैं, मिड टर्म का सोल्यूशन भी मैंने टीम्स पर अपलोड कर दिया है, और मिड टर्म में कुछ लोगों की चीटिंग भी मैंने पकड़ी है, जिनको मैंने अभी फ़िलहाल तो जिन क्वेश्चंस में चीटिंग पकड़ी है सिर्फ उनमें ही 0-0 मार्क्स दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जस्ट बी केयरफुल, मैं पूरा एग्ज़ाम आपका 0 कर सकती हूँ। चीटिंग इज़ समथिंग आई जस्ट कैन नॉट टॉलरेट, और जबकि आप लोगों ने ऑनर प्लेज भी साइन किया हुआ था, दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज। ग्रैड वाले लोग, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं था कि वो चीटिंग करते हैं एग्जाम में, ठीक है? अंडर ग्रैड को तो मैंने पहले भी बहुत पकड़ा है जब से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुए, लेकिन ये कि इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, और कि ग्रैड वालों ने, जबकि आप ऑनर प्लेज, इसका मतलब है पढ़े बगैर आपने साइन करके मुझे वापस भेजा, यू डिडेंट एक्चुअली रियलाइज कि उसके ऊपर लिखा हुआ क्या है, इट वॉज एन ओथ,
जो आप ले रहे थे कि आप चीट नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने चीट किया है। क्विजेज में चीटिंग पकड़ी गई है, आप लोगों की असाइनमेंट में चीटिंग पकड़ी गई है। मैंने असाइनमेंट इस तरह की आप लोगों को एक दी थी जो कि सेम थी, एग्जैक्टली सेम थी पिछले स्प्रिंग सेमेस्टर से, लेकिन इट डिडेंट मीन कि आप वहां से मेरा सोल्यूशन उस पर कॉपी पेस्ट करके जो है सबमिट करवा दें। इतनी तो वैसे अकल भी आपको होनी चाहिए कि अगर आपने एग्जैक्टली वही सोल्यूशन किया हुआ है तो ऑब्वियसली आई विल नो कि ये मेरा ही सोल्यूशन है जो आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ। तो और दूसरी चीज़ ये कि इन सारी चीज़ों का मकसद जो है, देखें ये है कि आप लर्न करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको अच्छे ग्रेड्स दे के निकाल पास कर दूँ, बिकॉज मुझे आपके ग्रेड्स ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन असाइनमेंट्स है, क्विजेज हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी लर्निंग के लिए हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट कि अगर आप कॉपी कर करके जो है वो सारी की सारी एक दूसरे से कॉपी कर रहे हैं, पिछले सोल्यूशन से कॉपी कर रहे हैं, तो लर्निंग क्या हो रही है आप लोगों की जो है ना। तो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड एग्जाम्स में भी और असाइनमेंट्स वगैरह जो है क्विजेज में, पूरे पूरे क्विजेज आप लोगों ने एक दूसरे को कॉपी किए हैं। और टीचर जो होते हैं ना, उसके पास इतनी अकल होती है कि वी रियलाइज के कहाँ पे चीटिंग हुई है और क्या हो रहा है। सो आई एम नॉट श्योर कि ज़ाहिर है आप लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं जो भी कहती रहूँ, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ज़ीरो आप लोगों का पूरे एग्जाम में आ जाएगा। सो इट्स अप टू यू कि आप फाइनल में जो भी करना चाहते हैं या आगे जो भी, अब तो खैर एक ही क्विज रह गए, लेकिन ये कि फाइनल अभी आपका है, सो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। यू वॉन्ट ज़ीरो और यू वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन योर ओन। अच्छा जी, आज की जो है वो अनाउंसमेंट्स हैं, विच आर एक्चुअली कुछ तो अनाउंसमेंट मैंने अभी कर ही दी हैं, कोई ऐसी नई अनाउंसमेंट नहीं है उसमें। इसके अलावा जो है रीकैप है, बहुत ही ब्रीफली सा जो है, वी विल जस्ट गो थ्रू वॉक थ्रू वॉट एवर वी डिड इन द 27 लेक्चर प्रॉबेबिलिटी जहाँ से हमने स्टार्ट किए। और उसके बाद जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम नहीं करेंगे वो है बेस थ्योरम, एंड वी विल सी एप्लीकेशंस ऑफ बेस थ्योरम। तो ओके, अनाउंसमेंट में देर इज़ नथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप लोगों ने अगले दफ़ा से जो है वो दूसरी एमएस टीम्स को ज्वाइन करना है। बाकी ये कि प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेसेस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये बुक जो है आप लोगों ने, दिस इज़ एक्चुअली द कोर्स बुक, जितना भी मैं करवा रही हूँ अभी आप लोगों को प्रॉबिबिलिटी का, वो सारा मैं यहाँ से ही ले रही हूँ। आई एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द सेम बुक ऑल्सो, सिर्फ ये है कि कुछ एक आध एग्जाम्पल जो है वो थोड़ी इधर उधर से मैं देख के करवाती हूँ, या जो मेरे जहन में आ रही होती है वो जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर टू यू, और बहुत ज़्यादा जो है वो रेलिवेंट टू द डेली लाइफ। अदरवाइज ये कि आपको वहाँ से एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी जो मैं करवा रही हूँ, और उसके अलावा एडिशनल एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी। सो आई वुड एडवाइज़ यू कि आप एडिशनल एग्जाम्पल्स करके देखिए, सो यू वुड नो कि जब आप, ज़ाहिर है फाइनल में आपका ये एग्ज़ाम आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़ अगेन मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं डाली है कि यू विल हैव क्विज़ ऑन थर्सडे एट 4:30, 4 to 4:30 था, या पता नहीं 4:30 to 5, आई डोंट एक्चुअली नो, सो 4 to 4:30 है, ओके 4 to 4:30 एक्सक्यूज मी मैम जी बोले मैम, ये 4 to 4:30 क्विज की टाइमिंग सूटेबल नहीं है। जॉब मतलब कुछ लोग करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं घर ही 4:30 पहुँचती हूँ, ओके 4:30, फिर आप 4:35। मगरिब के बाद रख लेते हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए रखा था कि आई थॉट कि शायद आप लोगों की क्लासेस होती हैं 6 के बाद, थर्सडे को नहीं होती। नहीं मैम, थर्सडे को क्लास कोई नहीं ओके, होती सो है, आपका लेकिन वीकेंड मैं है, और आगे कर लूँ। 5:30 कर देते हैं। मैं यस दोबारा मैम, थैंक यू मैम। 5:30 to 6 कर देते हैं, ओके। और इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो, ये दिस इज एक्चुअली ऑन दिस थर्सडे विच इज दिसंबर, क्या बन जाएगा थर्सडे को, 20, 24, 24th होगा ना, ये आपका जो है कमिंग जो थर्सडे है, ठीक है। और नेक्स्ट थर्सडे को जो है वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो आप सबमिट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में जो है देर वर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि मैंने डिस्कस की थी, और आई आई वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम ब्रीफली बिकॉज ऑफ द रीज़न के
ये एक नया बिल्कुल एंटायरली टॉपिक है जो कि हमने स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी का. सो आई जस्ट वांट टू मेक द कनेक्शंस ताकि हम आज के लेक्चर तक पहुंच पाएँ. अच्छा, सबसे पहले जो बात उसमें हमने देखी है वो और व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि प्रोबेबिलिटी हम यूज़ कब करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो है वो कब हम यूज़ कर रहे होते हैं और प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत हमें कब पेश आती है. हु कैन आंसर दिस? जब हम रेंडम इवेंट्स को डील कर रहे होते हैं. ठीक है, तो रैंडम इवेंट्स का क्या मतलब होता है कि वी हैव हम एक्चुअली बात करते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का वर्ड हम यूज़ करते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मींस के हमारे पास एक्सपेरिमेंट सेम है मगर उसका रिजल्ट कैन बी डिफरेंट ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस. ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल्स दी जाती हैं वो यही है कि अगर आप कोई कॉइन है उसको आप फ्लिप कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके पास एक्सपेरिमेंट तो यही है कि आप ही कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, बट देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ कि आपके पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. या इसी तरह से जो है वो अगर आप लोग डाइस जो है उसको अगर थ्रो कर रहे हैं तो उस केस में जो है अगेन थ्रो करने वाला भी सेम अगर है, सेम तरीके से थ्रो कर रहे हैं, सेम स्पीड है, एवरीथिंग इज सिमिलर, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट का अगर रिजल्ट जो है इट कैन बी समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम, तो उस केस में हम कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि हम ये नहीं कर सकते कि 2 times 1 आएगा और 3 times 2 आएगा बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो कि क्या आएगा. लेकिन उसमें भी जब आपके पास रैंडम यानी डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक वो होते हैं जब आपको पता है कि अगर आप सेम कंडीशंस के अंडर कह रहे हैं तो सेम रिजल्ट आएगा. वो जिसकी सबसे जो बहुत ही ज़्यादा जो कॉमन सी एग्जांपल्स है दैट इज़ ओनली ओहम्स लॉ है कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक जो है वो रेजिस्टेंस है और उसके बाद उसके अंदर से अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट का करंट गुजार रहे हैं तो हमेशा वोल्टेज जो है वी इक्वल टू आई आर आ रहा होगा, नो मैटर कि आप आज कर रहे हैं या 10 साल के बाद कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स जिसको हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. और नेचर में अगर आप गौर करना शुरू करें हमारे इर्द की जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर रैंडम. कि अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल मौसम को देख लें, आज बारिश हो रही है कल धूप निकली है, अब मे बी आपके पास जो है अगर आप डिफरेंट चीज़ों को कॉम्बिनेशन को लेना शुरू करें तो यू विल रियलाइज़ कि अच्छा जी इस टाइम पे जो था मॉइस्चर भी इतना ही था और उसके बाद जो सन भी जो था उसका एंगल भी इतना ही था, बट दिस इज़ नॉट अ नेसेसिटी कि आपके पास जो है वो एग्जैक्ट सेम टेम्परेचर या सेम मौसम जो है वो आपको मिल रहा हो. एंड देन वी एक्चुअली डू एवरीथिंग काइंड ऑफ रेंडमली ऑल्सो. आप सपोर्टते हैं आपने सेम कंडीशन है आपने जाना है लेकिन देर मे बी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जिसकी बेस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने जो है वो क्या कैसे दिन जो है वो गुजारना है. ठीक है, सो द थिंग इज कि रैंडम चीजें होती हैं और रैंडम चीजें ओके जी ओके सो रैंडम जो चीजें होती हैं वो बेसिकली दे एक्चुअली अकर इन नेचर और उस बिकॉज हम जो है वो हमारा एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द सिकंदर ओके सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रैंडम इन नेचर तो इसलिए वी नीड टू फाइंड अ वे कि जिससे हम इन फिनोमेना को जो है वो एक्सप्लेन कर पाए. उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं. प्रोबेबिलिटी में अब आप देखें कि रैंडमनेस तो है लेकिन ये कि रैंडमनेस में भी यू नीड टू हैव समथिंग जो कि जिसको आप डिफाइन कर सकें. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास अगर टॉसिंग ऑफ द कॉइन है तो इसका मतलब ये है कि दो पॉसिबिलिटीज़ है जिनमें से कोई एक आ सकता है. अगर आप डायर को थ्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है 6 possibilities में से कोई एक आ सकती है. सो व्हाट वी एक्चुअली आर सेइंग इज कि जब रैंडम एक्सपेरिमेंट भी होते हैं तो वी हैव नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जिसमें से कोई एक पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल होती है एंड देन
उसको हम कहते हैं कि अच्छा जी इसके होने के इतने चांसेस हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी हो रही है. सो व्हाट वी एक्चुअली डिफाइंड वाज कि हमारे पास जो कुछ डेफिनेशंस हैं प्रोबेबिलिटी की, जब भी हम बात करते हैं, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज सैम्पल स्पेस. ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या होता है? दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ, जिसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, दिस इज द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के हो सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो है वी डिफाइन एन इवेंट, और इवेंट क्या था? इवेंट क्या इज समथिंग विच इज अ सब स्पेस ऑफ अ सैम्पल स्पेस. ठीक है, कि इवेंट बिलोंग टू द सैम्पल स्पेस, के आपके पास जो भी इवेंट है, यानी फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि अगर हम बात करते हैं डाइस की, तो इसका मतलब डाई की, तो इसका मतलब है कि वी हैव सैम्पल स्पेस में हमारे पास फाइव सिक्स आउटकम्स हैं. और इवेंट जो है, आई कैन डिफाइन द इवेंट टू बी द इवेंट जबकि आउटकम पे सारे ऑड, हमारे पास ऑड रिजल्ट जो है उसका सबसेट में ले लूँ, तो दैट कैन बी डिफाइंड एज एन इवेंट. इसके अलावा एक और जो टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी, दैट इज आउटकम. आउटकम क्या होता है? ईच इंडिविजुअल एंट्री ऑफ एन इवेंट और अ सैम्पल स्पेस इज कॉल एन आउटकम. सो वन इज वन आउटकम, थ्री इज वन आउटकम, फाइव इज वन आउटकम. सो इसका मतलब है कि अगर आपको ये कहा जाता है कि सैम्पल स्पेस का साइज आपने करना है, तो इसका मतलब है जितने भी नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उनको आप काउंट कर लें, तो आपको सैम्पल स्पेस का साइज पता चल जाएगा. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल केस की, डिस्क्रीट केस की. ठीक है, कंटिन्यूस केस में जो है वो इट्स डिफरेंट. और एग्जाम्पल्स मैंने अच्छे कंटिन्यूस डिस्क्रीट सबकी जो है वो लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में की थी. आई विल नॉट गो इन द एग्जाम्पल्स इन दिस लेक्चर, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव मेक द कनेक्शन, क्योंकि बेस लॉ है जिसको हमने आज डिटेल में पढ़ना है. ओके, सो दीज वर द डेफिनेशंस जो कि प्रोबेबिलिटी के रेलेवेंस से है. और प्रोबेबिलिटी में वी नो कि वी नीड टू हैव द प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल व्हेन एवर वी हैव अ रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हिच इज अकरिंग. फिर हमने जो बात की थी, दैट वाज वी टॉक्ड अबाउट यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, वी टॉक्ड अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, एंड वी टॉक्ड अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन इवेंट एक्चुअली. सो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट उसी तरह से है. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है, अब देखें ये क्या है, दिस ए इज अ सेट. तो इसका मतलब ये है कि मैं जो हूँ वो डिफरेंट इवेंट्स को सेट की फॉर्म में लिख सकते हो, या ये कि हम जिस तरह वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेट्स को, उसी तरह से हम इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अगर हम यूनियन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इफ आई हैव टू इवेंट्स अवेलेबल ए एंड बी, तो यूनियन विल बी द सम ऑफ, यूनियन विल बी द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स जो कि इन दोनों के अंदर मौजूद होंगे. फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो लेट सपोज के इवन ऑड आउटकम्स का सेट है फॉर दिस सैम्पल स्पेस, एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल इवन आउटकम्स. तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, इस केस में जो है, यानी ए में जो है मैं 1, 3, 5 लिख सकती हूँ, बी में 2, 4, 6 लिख सकती हूँ. ठीक है, और ए यूनियन की अभी क्या हो जाएगा बेसिकली इस स्पेसिफिक एग्जांपल में, तो इट विल बी द होल सैंपल स्पेस. आप जो है वो दोनों के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके जो है वो लिख रहे हैं. व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी इन दिस केस? जीरो. ठीक है, और आपके पास एम्प्टी सेट हो जाएगा क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है. और कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि इफ आई एम टेकिंग ए कॉम्प्लीमेंट, देन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू सैंपल स्पेस माइनस ए, यानी वो तमाम की तमाम चीज जो कि विच इज एक्चुअली बी इन दिस केस के हमारे पास जो है. लेकिन अदरवाइज अगर बी सेट ना भी हो, तो तब भी आप ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल के जो भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स बच जाते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. अनदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट जो कि आगे हमने जाके की थी लेकिन यहाँ से हमें नजर आ रही है, तो लेट्स जस्ट डू दैट, कि अगर आपके पास दो इवेंट्स में कोई भी कॉमन आउटकम नहीं आ रहा, तो इस वी कॉल देम एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ओके, एंड दिस इज समथिंग, दिस इज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट टर्म. और ये जो है ना, ये चीज अगेन, अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को, अगर इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो है वो, वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कि आउटकम जो है हम रोलिंग ऑफ
रोलिंग ऑफ डाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने जो है वो एक डाई को भेजा है, तो इसके आउटकम जो है वो हमारे पास ये 1 से लेकर 6 तक आ रहे हैं. नाउ इस केस में वी कैन सी कि अगर इवेंट ए अकर करता है तो बी अकर नहीं कर सकता, ठीक है, और अगर बी अगर करता है तो ए अकर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर कोई ऑड नंबर आ रहा है तो इवन नहीं आ सकता, इवन आ रहा है तो ऑड नहीं आ सकता. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो है ना वो हमेशा जहन में ये याद रखें कि दीज आर सम थिंग्स विच कैन नेवर हैपन टुगेदर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल धूप निकली हुई है तो बारिश नहीं हो सकती, ठीक है, हो जाती है बाज़ाक़ात, बगैर अगेन देयर हैज़ टू बी सम क्लाउड्स के जब हम धूप में और बारिश हो जाए, लेकिन द धूप और बारिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो दे आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अगर हम एक सेट ले रहे हैं जो कि सैम्पल सेट हमारा है कि द सेट ऑफ ऑल द वेदर्स जो कि एक दिन में गुजर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप जो है वो दो चीज़ों को नोट कर रहे हैं विच आर क्लाउड्स ही है या सनी है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, विच मीन्स कि आपके पास एक अगर आ रहा है तो दूसरा नहीं आ सकता, या दूसरा आ रहा है तो एक नहीं हो सकता. एनी अदर एग्जाम्पल आप में से कोई मुझे दे सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेली लाइफ से जो आपकी लाइफ में हो रहा होता है, कुछ समझ में, कुछ कोई भी जहन में हो, इट डजंट हैव, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई बहुत हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन जस्ट ट्राई. मैम डे एंड नाइट कैन टेक केयर एट द सेम टाइम. एग्जैक्टली, दैट्स वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है, दे आर डे एंड नाइट अकरिंग ऑफ डे एंड नाइट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो रात होगी या दिन होगा, आपके पास साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, ठीक है. अच्छा ओके, सो दिस वॉज एक्चुअली वेरी बेसिक अबाउट द प्रोबेबिलिटी जिसकी हमने बात की कि सैम्पल स्पेस से लेकर वी टॉक्ड अबाउट अदर थिंग्स. इसके अलावा जो हमने फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने की थी देवर एक्जियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं, एक्जियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, और इसमें हमारे पास बेसिकली तीन एक्जियम्स थी जिसकी हमने बात की थी. एक तो ये कि अगर आपके पास एक इवेंट ए है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड इट मेक सेंस कि कोई इवेंट है, अगर फर्ज करें कि वो या तो होगा किसी स्पेसिफिक जो है वो प्रोबेबिलिटी के साथ या नहीं होगा, तो नहीं होने का मतलब है कि वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल कि आपने लेट्स सपोज कि हमने ये डिफाइन कर दी है, इवेंट हमने डिफाइन कर दिया है कि जी ट्रैवलिंग बाय प्लेन इन नवंबर 2020, ठीक है, अब ड्यू टू दीज कंडीशंस मोस्ट प्रोबेबली ये इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल है अगर नवंबर की हम बात करते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा कोविड फैला हुआ है कि हम प्लेन्स जो हैं वो लेट्स सपोज कि जी चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है. सो द थिंग इज़ कि अब ये इवेंट अगर डिफाइन है किसी तरह से तो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डजेंट मेक एनी सेंस. या तो ये हो सकता है कि देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हाँ जी सब कुछ ठीक हो गया है तो हम ट्रैवलिंग जो स्टार्ट हो गई है, सो इट कैन बी समथिंग 0.2, 0.3 के 30% चांस है कि कोई ट्रैवल करेगा, 40% चांस है, या ये कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कहें कि जी 0% चांस है. तो 0% चांस का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग हैपनिंग इज ऑलमोस्ट जीरो, कि नहीं होगा कभी भी ये चीज है, बट नेगेटिव इज नॉट समथिंग दैट कैन हैपन. इसी तरह से आपके पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सैंपल स्पेस, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सियम था, ये सेकंड था कि होल सैंपल स्पेस जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हैज टू बी वन. अच्छा, एक तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जितने भी इवेंट्स हैं अलग अलग उनकी प्रोबेबिलिटी या जितने भी आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से डिफाइन होगी कि टोटल जो है वो 1 आर हो. दिस इज समथिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि हम उसी सैंपल स्पेस की बात करते हैं जो मैंने पीछे लिखा था, सिंपल सा कि आपने जो है वो डाई को रोल किया है और आपके पास ये प्रोबेबिलिटी, ये सारे क्या आउटकम आ गए. अब आप देखें कि मेरे पास कितने आउटकम है. अगर मैं ये आपसे पूछती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 क्या है और 5 क्या है एंड 6 क्या है. अब आप देखें कि और मैं ये कह रही हूँ, एक तो आपने ये भी देखा होगा कि जो हमने मैंने एग्जांपल आपको नॉर्मली लिखी थी उसमें आई डिफाइंड दिस थिंग के इक्वली लाइकली है, ठीक है, या अनबायस डाई है, या दिस इज एक्चुअली समथिंग इम्पॉर्टेंट कि हम ये कह, अगर मैं ये कहती हूँ कि इक्वली लाइकली आउटकम है सारे के सारे, इसका क्या मतलब है कि सबके आने का चांस बराबर है.
ठीक है अब, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी समटाइम्स जो है वो ऐसा होता है कि आप खेलते खेलते जो है आपके पास जो डाई है वो थोड़ी सी घिस गई है, उसके जो किनारे हैं वो राउंड हो गए, तो उससे क्या हो सकता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक नंबर जो है वो बार बार आना शुरू हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हम कहेंगे कि दे आर नॉट इक्वली लाइकली, एक के आने की प्रोबेबिलिटी दूसरों से डबल है, या ये कि फोर टाइम्स हो गई है बिकॉज ऑफ द रीजन के बाइस्ड नेस आ गई है कि उसमें सारी चीजें बराबर की नहीं अकर हो रही हैं, ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर एक्चुअली सेइंग कि ये तमाम के तमाम जो आउटकम्स है वन से लेकर सिक्स तक इनके आने का इक्वल चांस है, तो इसका क्या मतलब है कि सिंपली टोटल अगर आउटकम्स सिक्स हैं और मेरे पास हर एक का इक्वल है तो इसका मतलब है कि हर एक का चांस 1/6 हो जाएगा, 1/6 जो है वो आउटकम वन की है, 1/6 आउटकम टू की है, 1/6, ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपके पास छह ऑप्शंस मौजूद हैं और आपके पास उसमें से कोई भी एक चूज करने का सेम चांस, मतलब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने सब आपको छह के, लेट्स सपोज कि आपके खाने के लिए गए एंड यू हैव फोर डिशेस अवेलेबल एंड ऑल ऑफ दोज आर इक्वली लाइकली के आपको जो है वो इक्वल लेवल पे पसंद है, तो इसका मतलब है आप उनमें से किसी में से जो खाएंगे, कोई आपसे कोई अगर ये कहता है कि जी क्या चांस है कि ये पहली वाली डिश जो है उसमें से आप खाएंगे, सो देर विल बी 25% चांस 1/4, बिकॉज अगर हम उसको पूरे को होल को कह देते हैं कि वन है टोटल, तो इसका मतलब है कि 1/4 एक हर एक का चांस है बिकॉज ऑफ द रीजन के एवरी डिश इज द सेम फेवरेट जो है उसका होने के सेम चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ज्यादा है दूसरी कम है तो अब होल जो है वो तो 100% ही है ना, तो 100% में से अगर हो सकता है कि मुझे लेट सपोज कि चार डिशेज हैं और मुझे एक डिश जो है वो बहुत पसंद है, तो मैं कहती हूँ कि जी अगर मुझे ये चारों के बजाय ये दे दी जाए तो मैं इसको ज़्यादा खा लूँगी, तो इट मीन्स के मोस्ट प्रोबेबली 50% चांस जो है वो ये है कि वो डिश मैं लूंगी और बाकी 50 में से तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट द थिंग इज कि ओवरऑल तो 100% ही होगा, तो व्हाट वी एक्चुअली से इज कि जो 100% है ना उसको आप वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो 50% था दैट विल बी 0.5 कि आपके पास हाफ ऑफ दैट थिंग जो कि टोटल आई है, तो सिमिलरली हेयर ऑल्सो आप देखें कि तमाम के तमाम जो आउटकम्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो रही है बिकॉज ऑफ द रीजन इक्वल है सबका आना जो है, लेकिन जिस तरह से आप किसी भी चीज के अगर पार्ट्स कर रहे हैं तो ओवरऑल परसेंटेज हमेशा 100 ही आ सकती है, तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग टुगेदर हैज टू कम टू वन, यानी वन को आप ये समझ रहे हैं कि 100% इज इक्वल टू वन, तो जितने भी आपके पास परसेंटेजेस कम होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते चले जा रहे हैं। एंड अनदर थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट थी वो ये कि अगर आपके पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी जिस जिस तरह पहले अभी मैंने पीछे जो ये बनाया था कि आपके पास ए इवेंट जो है वो 1, 3, 5 है और जो इवेंट बी है दिस इज 2, 4, 6, तो इस केस में अगर मैं आपको कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मुझे निकाल के बताएं तो इट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बिकॉज ऑफ द रीजन के ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो है कि नहीं है, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो सिंपल ऐड होकर आपके यूनियन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब कौन मुझे जल्दी से बताएगा कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन दिस केस? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओके नहीं अगर आप ओके सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ए इज द इवेंट ऑफ 1, 3, 5 ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि मुझे नंबर एक दें व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ओके किसने वन किसने कहा था? ओके लेट्स मेक इट समवेयर एल्स, ये ए है इवेंट और लेट्स सपोज कि ये बी है इवेंट, ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी इसको 1, 3, 5 कर दिया, ये 2, 4, 6 है,
और टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 से आया. अच्छा अब मुझे पहले तो ये बताइए, अब ये जो सैंपल स्पेस है ये 1, 3, 5 है, ये सॉरी इवन जो ए है वो 1, 3, 5 है, विच मीन्स के ऑल ऑड आउटकम्स का हमने ये इवन ले लिया. ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अब लेट्स सपोज कि मैं इसको कह देती हूँ कि दिस इज ए वन इवेंट है, क्योंकि हर आउटकम भी तो एक इवेंट हो सकता है ना, दिस इज ए टू इवेंट एंड दिस इज ए थ्री. अब मुझे ये बताएं कि इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ए इट्सेल्फ है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री. अगर मैं तीनों अलग अलग आउटकम्स कंसिडर कर लेती हूँ तो इट मीन्स कि इन तीनों को मैंने यूनियन लेके मेरे पास ये आ गया. अब माई क्वेश्चन इज के ए वन ए टू ए थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है. जी एनी वन एल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? अगर एक दफा आपने एक डाई को फेंका है, yes, ma'am, है. है ना, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है, हमने अभी देखा है कि क्या इसका क्या मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. सो इन अदर वर्ड्स जो अभी जी गजाला ने जो जवाब दिया था, तो दिस इज करेक्ट. वी हैव सीन के अब हमारे पास जो तमाम के तमाम है इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 1/6, 1/6 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3 times 1/6 बिकॉज और इट विल बी इक्वल टू 1/2. एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी इसी तरह आ जाएगी बिकॉज बी में हमारे पास कितने तीन इवेंट्स हैं, 2, 4, 6 विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और इन तमाम की हम पीछे प्रोबेबिलिटी देख सके हैं कि अलग अलग प्रोबेबिलिटीज 1/6, 1/6, 1/6 हैं. तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो है वो सिंपल ऐड करके आ जाएंगे. ठीक है, जिंदगी आसान इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज हमें उसमें जो है वो फॉर्मूला डिफरेंट यूज करना पड़ता. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो इफ वी गो बैक टू दिस example, the probability of A union B will be equal to probability of A, which is half, plus probability of B, which is again half, which is equal to 1. Okay? Okay, what happens to this, ye wala jo humare paas axiom hai, agar mutually exclusive na ho. Okay, so let me make two events. A hum le lete hain, अगेन ऑड 1, 3, 5 और बी मैं ले लेती हूँ कि मेरे पास आउटकम जो है इट इज ग्रेटर देन 2. तो इसका मतलब है कि 3, 4 and 5 आ जाता है, सॉरी 3, 4, 5 and 6 भी आ जाएगा. ठीक है, अब इसका मतलब है कि मेरे पास ए इज दिस and there is an overlap. 3 and 5 का overlap है, 1 यहाँ पर अलग है और 4 and 6 सिर्फ B के अंदर मौजूद हैं. ठीक है, अब आप देखें कि इस केस में जो है what will happen कि probability of A union B अगर मैं लेती हूँ, तो formula is अगर मैं वही करती हूँ probability of A अगर करती हूँ तो इसका मतलब है कि I am actually taking this whole thing. ठीक है, अच्छा ये याद रखें, लेट मी जस्ट राइट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, जो कि जीरो नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस ब्लू रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस ग्रीन रीजन. अब आप देखें अगर मैं सिंपली इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो रहा होगा, मैंने इस रीजन की प्रोबेबिलिटी, ये वाला जो सेंटर वाला रीजन इंटरसेक्शन वाला, इसको दो दफा ऐड कर दिया है, एक दफा ए में भी ऐड किया और दूसरी दफा बी में भी ऐड किया बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये तो दोनों में ही शामिल था ना. सो इफ वी डोंट हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, टू इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इन दैट केस हम दोनों को ऐड करके एंड देन इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हमें उसमें से माइनस भी 1 time करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एक दफा लेना चाहते हैं ना, दो दफा तो नहीं लेना चाहते. अगर मैं सिर्फ इसको करके छोड़ देती हूँ तो इसका मतलब है कि ए में जो है वो भी ये प्रोबेबिलिटी ऐड हो गई है, बी में भी ये ऐड हो गई है, तो 2 times आ गई. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं हैं
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और अगर जैसे जैसे ये तो दो हमारे पास हैं सेट्स हैं, ये अगर आप इसको बढ़ाते जाएं, मेरा ख्याल है मैंने एक एग्जांपल जो है वो लास्ट के लेक्चर में करवाई है कि अगर फर्स्ट करें इसको ए के साथ सी भी आ जाता है, एक और इवेंट भी आ जाता है, तो देन व्हाट विल हैपन. अगर चार आ जाते हैं तो देयर इज अ जनरल एक्चुअली फार्मूला कि जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा आपके पास जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स अगर बढ़ते जा रहे हैं और ओवरलैपिंग हैं सारे के सारे, तो हाउ वुड यू हैंडल दोज प्रोबेबिलिटी. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी विल जस्ट रिकैप दिस थिंग. अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप आगे उसको दोबारा से पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हैं. अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की थी, दैट वॉज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज द. जी हु विल टेल मी कि जैसी बोले जी जी मतलब अगर देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर दो इवेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, कि रिलेटेड इन द सेंस कि एक का होना दूसरे के होने को इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल डेली लाइफ के एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज के ए इज द इवेंट ऑफ गोइंग ऑन वेकेशंस. लेट सपोज ओके एंड बी इज द इवेंट ऑफ let's suppose having money. ठीक है, अब आपके पास या getting money let's suppose कह देते हैं, तो obviously बात है कि probability of A given B अगर मैं आपको कहती हूँ तो इसका मतलब है कि vacation पे जाने के chances ज़्यादा होंगे if you have received money from somewhere. ठीक है, अगर probability of A मैं सिर्फ कहती हूँ इसका मतलब है मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि probability किसी के जाने की वेकेशन पे कितनी है. ठीक है, बट आई एम नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन के पैसे हैं नहीं है. दिस विल ऑल्सो बी समथिंग जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको कहीं से पता चल जाए या यू कैन गेस दिस थिंग. ठीक है, बट द थिंग इज कि अगर उसके साथ मैंने ये चीज़ भी लगा दी है कि गिवन बी के प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू ऑन वेकेशन गिवन कि उनको कहीं से मनी मिल गई है, तो ऑब्वियस बात है कि इट विल इंक्रीज. ठीक है, या ये कि मैं कह देती हूँ कि बी इज इवेंट ऑफ हैविंग मनी एंड सी इज इवेंट ऑफ स्पेंडिंग ऑल द मनी. ठीक है, तो अब अगर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी अगर मैं आपको कहती हूँ तो यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज कि अच्छा इसका मतलब है कि अगर ए जो है वो अगर सारा स्पेंड कर दिया है तो ऑब्वियस बात है कि गोइंग ऑन वेकेशन की जो प्रोबेबिलिटी है इट वुड बी समथिंग विच इज नॉट वेरी हाई. तो व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम हेयर इज कि आपके इवेंट के होने की एक इंडिपेंडेंट भी प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन इफ देर आर सर्टन थिंग्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग दिस इवेंट तो उनकी बेस पे प्रोबेबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है या उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इसको इफेक्ट कर सकती है. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि मैं एक और इवेंट डिफाइन कर देती हूँ. मैंने इवेंट डी डिफाइन कर दिया जिसमें मैंने ये कहा कि लेट्स सपोज व्हाट कैन आई डिफाइन ओके इट इज ओके लेट्स सपोज के इट इज मैं कोई इंडिपेंडेंट एक्चुअली डिफाइन करना चाह रही हूँ और लेट्स सपोज के ओके दिस इज अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल लेकिन ओके लेट्स सपोज के जी प्रोबेबल डी जो है दैट इज द इवेंट ऑफ द पर्सन्स नेबर गेटिंग मनी. ठीक है, अब अगर आपसे मैं कहती हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी बताएं तो मुझे ये बताइए कि वुड इट चेंज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिपेंडेंटली.
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी के अब नेबर के पास अगर पैसे आ भी गए हैं तो वो उतनी ही रहेगी जितनी उसकी नेबर के आने से पहले की थी प्रोबेबिलिटी. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ going of a one person on a vacation and probability of neighbor getting money are two independent events. Inka ek dusre se koi taluk nahi hai. Okay, so the thing is ki conditional probability mein jo hai, you need to understand ki conditional probability mein first of all we need to find ki jo condition humne di hai उस कंडीशन का एक्चुअल इवेंट पे कोई फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा. अगर पड़ रहा है देन व्हाट हैपेंस कि अगर फर्ज करें कि इफ आई से कि लेट्स सपोज कि ए गिवन बी, मैं कह रही हूँ विच मीन्स के बी इज मी गेटिंग मनी, ठीक है, मैंने ए जो है वोकेशन पे जाना है और बी इज मी गेटिंग मनी, तो इसका फॉर्मूला जो है वो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, ठीक है. लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी है, जो हमने ये कहा है कि आपके पास जो है वो ओके, सो फॉर्मूला जो है वो हमने जो है वो ये याद रखना है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या है कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन के कोई दूसरा इवेंट हो चुका है तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों के ज्वाइंटली होने पे, विच मेक सेंस ना कि दोनों का साथ साथ होना जो है उसकी कितने चांसेस हैं, एंड इट इज नॉर्मलाइज बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है. अब इस फॉर्मूले को अगर मैं अब इस फॉर्मूले को मैं लेट सपोज के बी वाला इवेंट हमें याद है कि दिस वॉज समथिंग विच वॉज इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी के उसको जो है वो पैसे मिल चुके हैं. लेट मी एक्चुअली go back to this slide और इसको थोड़ा सा मैं okay, so let's write here. So अब हम क्या कह रहे हैं कि probability of A given B जो है this is actually equal to A intersection B, के दोनों के joint होने की कितनी probability है, and it is normalized or divided by probability of B जो कि हो चुका है. अब इसी तरह से अगर मैं probability of A इंटरसेक्शन बी यहाँ से फॉर्मूला लिखती हूँ देन इट विल कम आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, सिंपल जो है वो जी जी करें. ये बेसिकली हमने बहुत यूज किया है कम्युनिकेशन में और हम शुरू से इसको यूज करते आए हैं. तो ये जो आपने आपके इम्प्रेशन लिखे है ना, एक्सप्रेशन लिखे है ना, बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, ये जो दूसरा वाला है ये इंट्यूटिवली सेटिस्फाई करता है किसी भी पढ़ने वाले को, लेकिन जो ऊपर वाला है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें, जिसमें आप कह रही हैं कि ये इकट्ठे होने का इवेंट और नॉर्मलाइज हो गया है ये बी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से. एक्चुअली देखें वो नॉर्मलाइज होने का मतलब ये है कि हम ना उसका इफेक्ट, अभी फिलहाल मेरे पास इस तरह की एग्जाम्पल तो जिस तरह, क्योंकि यहाँ पे जो हम मनी और इस तरह की कर रहे हैं ये तो हम प्रोबेबिलिटी एज सच नहीं ले रहे, लेकिन ये कि नॉर्मलाइज होने का मतलब ये है कि जो चीज़ हो चुकी है ना उसका इफेक्ट हम बीच में से निकाल रहे हैं, ठीक है. एक तो हम ये देख रहे हैं कि ज्वाइंट दोनों का क्या जा रहा है जो यहाँ से जो है, ठीक है, इंट्यूशन जो आपके पास है कि ये ज्वाइंट जो है वो इफेक्ट क्या है दोनों के साथ साथ होने का, और प्रोवाइडेड कि एक जो था वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है. इसकी कोई एग्जांपल अगर मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि यानी वही बात है कि फ्रॉम द जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पे ए जो है गोइंग यानी व्हाट वी विल बी सेइंग इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग ऑन वेकेशंस, ठीक है, प्रोवाइडेड के गिवन के मनी आ चुकी है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मनी. यानी व्हाट डज इट मीन कि आप जो है ना दिस फैक्टर इज जस्ट टू नॉर्मलाइज द इफेक्ट ऑफ व्हाट एवर इज ऑलरेडी हैपन आपके, सॉरी नॉट ये जो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास गोइंग ऑन वेकेशन
प्लस आपके पास जो मनी आ रही है उन दोनों को ज्वाइन करके जो है वो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है. अब इस केस में तो बेसिकली आउटकम्स मैंने लिए इस तरह के हैं समझाने के लिए, विच विल नॉट बी फ्रॉम द सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ना, क्योंकि मनी का आना एक अलग एक्सपेरिमेंट है और इवेंट जो है वो वेकेशन पे जाना एक अलग है. लेकिन ये कि इसकी ना आई विल एक्चुअली गिव यू एग्जाम्पल, ठीक है. जो आपने बताया वो उसकी भी इसलिए समझ आ रही है क्योंकि जब हम उसको डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, तो एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से. जी 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 बिल्कुल, कि आपके पास जो है ना कि यानी वही बात है ना कि इसको हम नॉर्मलाइज करने का की बात कर रहे होते हैं कि आपके पास जो है कि यू आर एक्चुअली कैंसिल, नॉट कैंसिलिंग, यू आर एक्चुअली टेकिंग आउट द इफेक्ट ऑफ द अदर थिंग, जो कि हो चुका है उसका इफेक्ट निकाल के एंड देन यू आर जस्ट आउट कर रहे हैं. एग्जैक्टली ठीक है. अच्छा अब आप जो है जो चीज़ अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हिसाब से, कि अगर फर्स्ट करने कि मैं अब ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, विच मींस के पर्सन जो है वो हॉलीडे पे जाना है और प्लस ये के उसको पैसे भी मिल गए हैं, ठीक है. सो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी के पैसे मिलने के बाद कितनी चांसेस हैं उसके जाने के मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी फॉर्मूले को जो है वो लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी से लिखती हूँ, विच मीन्स के अब मैं कौन सा इवेंट ले रही हूँ कि जी नेबर को पैसे मिल गए, ठीक है. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. लेकिन अब आप देखें कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी है इसमें और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कोई फर्क नहीं होगा, यानी नेबर को मिलने से पहले मेरे जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वेकेशन पे इट इज सेम मिलने के बाद भी, बिकॉज ऑफ द रीजन के मेरा उससे पैसे लेने देने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है. सो द थिंग इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा और ये ओवरऑल जो है मेरे पास क्या आ जाएगा. ओके सो व्हाट एक्चुअली आई वांट टू राइट फ्रॉम हेयर इज अनदर फॉर्मूला, कि अगर आपके पास दो इवेंट हैं ए और बी और वो इंडिपेंडेंट हैं तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अच्छा अब इसको जो है ना अगेन उस तरह से सोचने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल आई एक्चुअली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ओके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो हो जाएगी इसमें. Why? Because A intersection B equal to zero हो चुका है. और इसमें जो है वो example हम किस तरह की ले सकते हैं, जैसे आप में से किसी ने कहा था कि जी दिन और रात, ठीक है. तो A is the event of time being daytime and B is the event of time being the right time. So probability of A intersection B जो है definitely A intersection B is zero, तो उसके होने की probability भी zero है, which means के it is not possible, never possible कि आपके पास जो है वो दोनों सी चीज़ें साथ साथ हो रही हों, ठीक है. अच्छा अब इस फॉर्मूले से जो हमने कंडीशनल probability का फॉर्मूला लगाया है इसमें हमने देखा है कि probability of A given B is intersection B over probability of B, और अगर mutually exclusive है तो this will be zero. So probability of A given B will be zero if A and B are mutually exclusive. देखें again this is something which makes sense. Probability of A given B is equal to probability of A जबकि B हो चुका है, ठीक है. अब अगेन वही वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट सपोज के ए जो है वो दिन है, बी जो है वो रात है. अगर रात है तो दिन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो, अगर दिन है तो रात के प्रोबेबिलिटी होने की जो है वो जीरो है. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो एक के होने का मतलब है कि दूसरा नहीं हो सकता, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि एक साथ हो ही नहीं सकते. तो गिवन बी अगर हो चुका है, बी हो गया है, अभी बी हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर रात है तो ए हो ही नहीं सकता, ठीक है. सिमिलरली अगर मेरे पास जो आउटकम थे अगर 1, 3, 5 है और दूसरा जो है वो 2, 4, 6 है, तो अगर
बी हो चुका है, विच मीन्स के इवन आ चुका है, तो और तो नहीं आ सकता ना आउटकम. तो इसका इट मेक सेंस कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होनी चाहिए, कि अगर आपका बी अकर कर चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होनी चाहिए. बट जो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं दे कैन अकर साइमल्टेनियसली. उनका सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो उनका जो डिफरेंस है वो ये है कि एक साथ हो सकते हैं लेकिन उनका एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होती. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है, अगेन यही वाली एग्जांपल है कि एक बंदे का वेकेशन पे जाना दूसरे बंदे के पैसे मिलने से डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो घर में बैठ के जो है वो कोई काम कर रहे हैं तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली नॉट डिपेंडेंट के बाहर जो है वो मौसम कैसा हो रहा है. ठीक है, अनलेस अनटिल के आपके घर में लाइट नहीं है और आप बिजली और वो बहुत सर्दी है बहुत गर्मी है, दैट इज़ समथिंग के फिर डिपेंडेंसी आ जाएगी. ठीक है, बट वी आर अस्यूमिंग के घर के अंदर यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल, तो बाहर अगर कुछ हो भी रहा है तो दे कैन हैपन साइमल्टेनियसली. ठीक है, बाहर धूप हो गर्मी हो और अंदर काम हो रहा हो, बट द थिंग इज कि दे मे नॉट बी अफेक्टिंग ईच अदर, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज समथिंग दैट कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली. ओके, दिस इज एक्चुअली दोबारा से मैंने घंटा तकरीबन लगा दिया इन चीज़ों पे बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों ने जो है वो इसको देखा है. अच्छा, नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमने लास्ट टाइम जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. अच्छा, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में व्हाट वी एक्चुअली से इज कि हमारे पास लेट्स सपोज कि वी हैव अ सैम्पल स्पेस और मैं इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्टीशंस में डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, मैं ये कह देती हूँ कि ये बी वन है, बी टू है. फॉर एग्जांपल अगेन वही वाली बात कर लेते हैं हम कि वन से लेकर हमारे पास सिक्स तक जो है वो आउटकम्स मौजूद हैं फॉर केस ऑफ हम डाई को जब रोल कर रहे हैं और ए जो है लेट सपोज कि मैं इसको कह देती हूँ बी वन इवेंट है विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 135 और बी टू जो है वो दूसरा इवेंट है 246. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास जो ये था पूरा सैम्पल स्पेस इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बी वन है और एक बी टू है विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 135 है और 246 है. इस केस में व्हाट वी कॉल हम ये कहते हैं कि ये जो बीज हैं दीज आर पार्टीशन ऑफ ए सॉरी एस. ठीक है, अब लेट सपोज कि मैंने कोई एक इवेंट डिफाइन किया है जो कि इनमें से कुछ उसने हिस्सा जो है वो बी वन से लिया हुआ है या कुछ हिस्सा बी टू का है उसमें. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने जो है वो ए इस तरह का इवेंट डिफाइन कर दिया है विच एक्चुअली इज अगेन हमने पीछे भी एक इवेंट डिफाइन किया था कि लेट्स सपोज कि इसको मैंने ए कहा है एंड ए इज इक्वल टू ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 4 मे बी, तो यहाँ पे मेरे पास 5 और 6 आ जाएगा. ठीक है, अब इसका आप देख लें कि इसमें 5 में से भी आया हुआ है और बी वन में भी इससे भी कुछ पार्ट आया हुआ है और बी टू में से भी कुछ पार्ट आया हुआ है. तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है व्हाट इट एक्चुअली सेज इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम इसकी पार्टीशंस की प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू आई फ्रॉम 1 to n. अगर n अगर पार्टीशंस हैं, इस केस में हमारे पास दो पार्टीशंस हैं तो i फ्रॉम 1 to 2 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन bi मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ bi. ठीक है, और ये जो है अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में जो है इसको प्रूव किया था कि ये कैसे आते हैं हमारे पास ये वाली इक्वेशन और इसमें से जो है वो हम मेरा ख्याल एक दो एग्जाम्पल्स भी मैंने एंड में जो है वो लास्ट लेक्चर के की थी, आप लोग वहाँ से जाके जो उसको देख सकते हैं. टुडे वी विल बी यूजिंग दिस थिंग टू अप्लाई द बेस लॉ. तो इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि अगर आपके पास एक कोई भी सेट है सैम्पल स्पेस है जो कि सेट की फॉर्म में अगर हम लेते हैं, अभी तक हम सेट की फॉर्म में ही बात करते रहे, एक सैम्पल स्पेस है तो अगर उसमें आपने उसको डिवाइड कर दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स में
तो कोई भी इवेंट जो कि उन पार्ट्स से पार्शली मिलके बना हुआ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आप उन पार्टीशंस की प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल, अब इस केस में जो है वो, अगर मैं इस दो वाले केस की बात करती हूँ फॉर द केस ऑफ डाई, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वन टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू. और आप देखें बी वन और बी टू की तो हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, कि बी वन जो था वो हमारे पास वन बाई टू था, बी टू भी जो था वो वन बाई टू था, बिकॉज ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वन क्या होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी टू क्या होगी, फिलहाल हम आगे एक एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ निकालेंगे. सो आई वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट दिस एट दिस टाइम. लेकिन ये कि जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये, मतलब जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, दैट इज़ जस्ट टेलिंग अस कि आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पार्टीशन के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं. बेस थ्योरम जो है, इट इज़ काइंड ऑफ बिट, इट इज़, आप ये कह लें कि ये थोड़ा सा उसके ऑपोजिट है, ठीक है? बेस थ्योरम जो है थोड़ा सा ना, ये इसकी स्टेटमेंट से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट व्हेन वी विल लुक एट द एग्जांपल्स तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज़ इट टेलिंग अस. कि लेट्स सपोज कि वी हैव पार्टीशंस जो हैं बी वन से लेकर बी एन तक हैं, पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस, और एंड सपोज करें कि वी हैव एन इवेंट ए जो कि हो रहा है, ठीक है, जो कि इवेंट ए अकर किया है. पार्टीशंस हमारे पास पहले से मौजूद हैं, वी हैव ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पार्टीशंस, ठीक है, वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू भी है, एंड सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन तक हैं बिफोर इवेंट ए, ठीक है? इसको हम कहते हैं ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज या प्रायर प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, ठीक है, कि आपके पास उन तमाम पार्टीशंस की पहले से प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं. अब क्या हुआ है कि अब इवेंट ए हो गया है, ओके, और हमने क्या देखा था कि इवेंट ए इज समथिंग विच इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन ये जो भी हमारे पास B1 से लेकर B2 तक थे. अब इवेंट हो गया, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, नाउ वी वांट टू फाइंड कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, यानी वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 आफ्टर A हैज अकर्ड, ठीक है? इट लुक्स थोड़ा सा ऑड कि B1 की तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, लेकिन ये देखें, इसलिए हमने जो है ना वो ये टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की हैं कि आपके पास जो है वो ए प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी और पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी, या आप पोस्टीरियर और प्रायर प्रोबेबिलिटीज जो है वो समझ लें कि समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि इवेंट ए के होने से पहले प्रोबेबिलिटी क्या थी और इवेंट ए के होने के बाद प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी. तो ये जो तमाम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं, दे आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ समथिंग हैपनिंग बिफोर द इवेंट अकर्स. और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कह रही है कि अब जब इवेंट हो गया है तो उनकी प्रोबेबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा. पहले लेट मी जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला एंड उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको जो है वो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब एक की प्रोबेबिलिटी मौजूद है तो फिर इवेंट के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब क्या बन रहा है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा अब आप देखें कि फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं. अगर मैं सिंपली जो है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे गिवन ए अगर मैं करना चाहती हूँ, एक मिनट ज़रा रुकिएगा, शोर आ
ओके जी, ओके. सो बाय बाय फॉर्मूला, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल में अगर यहाँ पे लगाती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे गिवन ए किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है. अच्छा, अब आप एक और चीज जो है, अब आप देखें, इफ आई राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, this is equal to probability, or let me write it on the other side. ji probability of a given b is equal to probability of a intersection b divided by probability of b, yani jo event ho chuka hai, theek hai, and probability of b given a agar main likh deti hu, that would be again equal to probability of A intersection B divided by probability of A. So what we conclude from both of these is ke yahan se mere paas kya aa raha hai, first wale se probability of A intersection B is equal to ji probability of A intersection B is equal to probability of A given B times probability of B. और ये जो second वाला है, यहाँ से I am getting probability of A intersection B is equal to probability of B given A multiplied by probability of A. So what we are actually seeing is कि A इंटरसेक्शन B अगर मेरे पास मौजूद है, तो उसको मैं A गिवन B की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, B गिवन A की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. विच मीन्स के दीज आर जस्ट सेइंग कि अगर B के होने से A पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और A के होने से B के पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आए, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे गिवन A को आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन बी जे times probability of bj over probability of a, right? Achha, ek minute, let me now, and probability of a, abhi jo humne total probability ka formula dekha tha, bj's humne kya liye hain, bj's are the partition of our sample space. To humne abhi probability of a ka kya formula dekha tha, ki law of total probability ke through we can write the probability of A as summation, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, summation of K from 0 to not 0, 1 to N, हमने partition जो है वो 1 से start की हमने, so K from 1 to N, probability of A given BK times probability of BK. Okay, this is Bayes' theorem, which is actually just telling us कि हमारे पास partition की probability after an event has occurred is equal to this thing, जो हमारे पास ये formula आ रहा है. Okay, now let's try to relate it to something. Example जो कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल से हम देखने की कोशिश करते हैं. सो इसके लिए जो एग्जाम्पल एक्चुअली मैंने यहाँ पर एप्लीकेशंस जो है वो रियल लाइफ में दो एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं. एक तो आपकी बुक की ही एप्लीकेशन है जो कि कम्युनिकेशन से रेलेवेंट है, और दूसरी जो है ना वो एप्लीकेशन मैंने इसकी क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल एक रखी है. सो लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन की हम पहले बात करते हैं और फिर कम्युनिकेशन वाले पे हम बाद में आते हैं. क्लासिफिकेशन की मैं पहले इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि आई थिंक दैट इज मोर रिलेटेबल टू वट एवर वी आर सीइंग टूडे. तो इस मतलब आज का जो हम सिचुएशन है उससे रेलिवेंट मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की, विच इज़ हेयर. ठीक है. अब इसमें जो है वो क्लासिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इज के क्लासिफिकेशन का वर्ड आप लोगों ने सबने मशीन लर्निंग में सुना जरूर होगा, आप लोगों को पता हो या ना हो दैट इज समथिंग एल्स, बट आई एम 100% श्योर कि कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुना हुआ होगा. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय क्लासिफिकेशन, कि हम क्या करना चाह रहे होते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज के
आप क्लासिफिकेशन में एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ हम करते हैं दैट इज़ प्रिडिक्शन हम कर रहे होते हैं. आप लोगों ने आई एम नॉट श्योर कि आप ऐसे कितने लोगों ने जो है वो ट्रेनिंग और ट्रेनिंग सेट और टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन डेटा इस सब की बात सुनी होगी, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग. सिर्फ क्लासिफिकेशन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि लेट्स सपोज कि हम प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं. अब आप लेट्स फॉरगेट अबाउट मशीन, हम अपनी बात करते हैं. लेट्स सपोज कि मुझे जो है वो या कोई बच्चा है जिसको आपने रिकग्नाइज करवानी शुरू की हैं चीज़ें और आपने उसको दो तरह की तस्वीरें दिखा दी है, ठीक है, कि उसको जो है वो आपने बहुत ज़्यादा तस्वीरें जो हैं वो दिखा दी है कार की और बहुत ज़्यादा तस्वीरें जो है वो उसको दिखा दी हैं दूसरी साइड पे बाइक की, ठीक है, एंड एवरी काइंड ऑफ कार और एवरी काइंड ऑफ बाइक पॉसिबल जो कि है. तो इसका मतलब क्या है कि आपने और आपने उसको बता दिया है कि देयर इज़ अ सेट, ठीक है, और इस सेट में जो है वो या तो कार्स हैं या बाइक्स की पिक्चर्स हैं एंड यू हैव टैग्ड दोस पिक्चर. टैग का क्या मतलब है कि आपने बच्चे को बताया कि दिस इज अ बाइक, दिस इज अ बाइक, दिस इज अ बाइक, दिस इज अ बाइक. एंड लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है ये भी मे बी 1000 पिक्चर्स आपके पास थी और ये भी जो है वो 1000 पिक्चर्स हमारे पास थी मौजूद. अब क्या होगा, लेट्स सपोज के कोई नई तस्वीर है जो आप उसको दिखाते हैं, ठीक है, विच अब आप उसको ये पूछते हैं कि वेदर इट इज अ कार और अ बाइक. तो अब बच्चा क्या करेगा, उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है उन कार्स और बाइक को देख के वो उससे कंपेयर करने की कोशिश करेगा, शेप जो भी उसने अपने दिमाग में बिठाई हुई है कि अगर इस तरह के चार पहिए होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो इट शुड बी अ कार, अगर दो पहिए हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से बाइक्स होती हैं, चाहे हैवी बाइक्स हों या डिफरेंट टाइप की हो, बट इट शुड बी अ बाइक. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो चीज़ आपने दिखाई है दैट इज़ समथिंग इन बिटवीन, तीन पहियों वाली चीज़ है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो रिक्शा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसके बाद अब वो खुला हुआ भी है ऊपर से, तो व्हाट विल हैपन कि बच्चे को उसकी तो तस्वीर नहीं पता चली, दैट किड डजंट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट के आपके पास जो है वो ये कार होनी चाहिए या बाइक होनी चाहिए, लेकिन बेस्ड अपॉन जो भी उसने प्रायर उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है वो कहीं ना कहीं उसको फिट करेगा. और जो उसका ब्रेन है ना बेसिकली वो उसके पास, देखें दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम कि आपका जो है वो ये सोचेगा कि अच्छा इसकी कार में होने की ज़्यादा चांसेस हैं या बाइक में होने, मतलब ये नहीं है कि वो कैलकुलेट करेगा कि अच्छा इसके 0.7 चांसेस हैं कि कार के करीब है या 0.3 चांसेस हैं कि बाइक के करीब है, बट द थिंग इज कि दिस इज़ हाउ आर ब्रेन वर्क्स इन रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट थिंग्स, कि हमारा जो है अगर हमने हमें बचपन से लेकर अगर अभी तक किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचें कि आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, क्योंकि उसकी एग्जाम्पल्स आपने देखी हुई होती हैं, और जिसकी एग्जाम्पल्स नहीं देखी हुई अगर पहली दफ़ा कोई आपके पास नई चीज़ नज़र आएगी तो यू वुड नॉट बी एबल टू रिकोगनाइज इट और यू विल ट्राई टू से कि अच्छा ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो यही चीज़ होगी जो मतलब जो कि आपने कहीं से देखी हुई है उससे आप इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे. This is exactly what classification is. कि आपके पास जो है वो डेटा सेट्स मौजूद होते हैं और डेटा सेट्स में लेबल डेटा सेट्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार और बाइक्स के ये तस्वीरें हमने मशीन को दे दी हैं, हमने कार्स 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 दे दी हैं सारी और बाइक्स भी दे दी हैं, एंड मशीन जो है वट इज दैट मशीन डूइंग, हमने उसको इस तरह से उसके अंदर कोड लिखा हुआ है, मॉडल डाला हुआ है कि इट इज टेकिंग द फीचर्स ऑफ कार्स और वो अपने साथ रखता जा रहा है कि अच्छा जी ये जो 1000 मेरे पास आया ना उसमें ये चीज़ें कॉमन है और ये चीज़ें कॉमन थी ना. अब मशीन को ये आइडिया नहीं है कि वो कार है कि बाइक है, बस उसको ये पता है कि ये एक कैटेगरी में जा रही है चीज़ें और दूसरी जो है वो जिसकी डिफरेंट जिसके फीचर्स थे जिसमें दो दो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो उसको ट्रेन किया हुआ है या उसने उसके अंदर जो आपने आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स डाला हुआ है वो ये डाला हुआ है कि पहिए होने चाहिए, चार होने चाहिए या दो होने चाहिए, ठीक है. अब वो क्या कर रहा है कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये फीचर स्टोर करता चला जा रही है जो भी मशीन है आपकी कि जी फोर जो भी वीज वाली उसकी तस्वीर आ रही है उसको एक साइड पर रख रहा है और जो टू वाली है उसको एक साइड पर रख रहा है. दिस इज़ हाउ द मशीन इज ट्रेंड, दिस इज हाउ वी आर ऑल्सो ट्रेंड, ठीक है. अब उसके बाद जब कोई नई चीज़ आएगी फॉर एग्जाम्पल रिक्शा आएगा तो अब उसने तीन पहिए जब देखे हैं तो द मशीन विल ट्राई टू सी कि अच्छा अब इसको कहाँ रखा जाए, 0.5 चांस है कि वो बाइक में रख दे और 0.5 चांस है कि वो कार में रख दे, ठीक है. एंड देन वी विल हैव आवर रूल डिफाइंड के हम ये कहेंगे कि अच्छा जी अगर एग्जैक्ट 0.5 पे आए तो उसको कहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन जाहिर उनमें से किसी एक में रखेगा और जाहिर अगर बाइक में चला गया तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा एरर है बिकॉज वी नो कि दैट इज मोर क्लोजर टू द कार. बट द थिंग इज कि वो जो आपने पहले से उसको चीज़ दे दी है
उसकी बेस पे जो उसने डिसीजन ले लिए हैं, दीज आर प्रायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल. ठीक है, अब आपके पास जब नई चीज आई है तो दिस इज सम इवेंट दैट इज अकरिंग नाउ, और इसकी बेस पे अब प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो दोबारा से कैलकुलेट होंगी उन दोनों चीज़ों की जो कि पहले से मौजूद थी, और उन प्रोबेबिलिटीज में से जो हायर प्रोबेबिलिटी होगी डिसीजन उसकी तरफ जा रहा होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये कार और बाइक की मैंने एक एग्जांपल दी है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ पहिए ना जो है वो व्हील्स को सिर्फ काउंट नहीं कर रही है मशीन, बल्कि व्हील्स के साथ साथ उसने एक और फीचर भी रखा हुआ है कि कवर्ड है कि नहीं है. ठीक है, तो इट मीन्स के नाउ टू फीचर्स आर देयर कि जी जितनी भी कार्स हैं उसमें फोर व्हील्स हैं एंड कवर्ड, फोर व्हील्स एंड कवर्ड, एंड सो दिस इज वन क्लास एंड द अदर क्लास इज टू व्हील्स अनकवर्ड, टू व्हील्स अनकवर्ड. अब इसका मतलब है कि रिक्शा आता है तो डेफिनेटली उसकी जो प्रोबेबिलिटी है क्लोजनेस ऑफ कार की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोजनेस ऑफ बाइक. सो इट मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बींग फ्रॉम द क्लास ऑफ कार इज मोर एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग फ्रॉम द क्लास ऑफ बाइक, और उस प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम ये डिसाइड कर लेंगे, ये मतलब मशीन हमें ये डिसाइड करके देगी कि जी दिस शुड बी अ कार. ठीक है, सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू. एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे एक्चुअली रखी लिखी हुई है वो दैट इज़ अबाउट कोविड की एग्जाम्पल है, और बिल्कुल यही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है इसी को रखते हुए जहन में जो है वो मैंने एक एग्जाम्पल से यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ है वो ये है कि दो ही क्लासेस ली हैं हमने. ठीक है, और उसमें से जो क्लासेस हैं वो किस तरह से ली हैं कि कोविड है या कोविड नहीं है. ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो टोटल सैम्पल स्पेस है, सैंपल स्पेस जो है वो 1000 लोगों का है. ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि कोविड जो है इसके सैंपल्स जो है वो सी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 100, एंड नॉन कोविड जो है दीज आर 900. तो इसका मतलब क्या है, अब देखें प्रायर टू सम वन एल्स कमिंग, अब अगला जो है क्लासिफिकेशन में क्या है कि इसकी बेस पे हमने समहाउ ट्रेन कर दिया है, और एंड वी वांट टू सी कि आपको अगर अगला हमारे पास रिजल्ट आ रहा है तो उसके चांसेस जो हैं वो क्या होंगे, एंड बेस्ड अपॉन सम एट्रीब्यूट्स या फीचर्स. बेसिकली क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं ना तो उसमें हम उसको फीचर्स कह रहे होते हैं जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं. अगर आप स्टैट्स की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की तो उसमें नॉर्मली उसी चीज़ को एट्रीब्यूट्स का वर्ड यूज़ हो रहा होता है, बट दे आर द सेम थिंग कि आपकी किस वे, जिस तरह मैंने कहा था ना कि क्लासिफिकेशन अगर हमने पहले की हुई है तो मशीन ने जो है वो पहियों नंबर ऑफ व्हील्स की बेसिस पे डिसाइड किया हुआ है. ठीक है, तो सिमिलरली कोविड और नॉन कोविड मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, टेस्ट की बेसिस पे डिसाइड हुआ हुआ होगा. तो आप उन तमाम चीज़ों की प्रोबेबिलिटीज जो है वो समहाउ इकट्ठी करेंगे कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आया था तो कितने कोविड थे, टेस्ट नेगेटिव आया था तो कितने कोविड थे, एंड वो सारी आपके पास होंगी. अब आप नया जो भी आ रहा होगा केस उसको ये डिसाइड करवाना चाह रहे हैं कि जी अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, कोविड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पर्सन टू बी कोविड पॉजिटिव गिवन द टेस्ट पॉजिटिव आया था वो क्या होगा, या गिवन द टेस्ट नेगेटिव आया था वो क्या होगा. तो दैट वुड बी एक्चुअली पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, और उससे पहले जो हमें डेटा गिवन है उसकी बेस पे हमने जितनी भी प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट किया हुआ है दीज आर द प्रायर प्रोबेबिलिटीज. अच्छा, आप मुझे आप बताइए What will be the probability of C here? अगर मेरे पास ये numbers हैं, probability of COVID क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो ये बताएं. These are prior probabilities के जो हमें पहले से डेटा, जो डेटा गिवन है ना, this is again the same thing कि अगर फर्ज करें कि 1000 cars हैं और 1000 ही bikes हैं, तो probability of cars is also 0.5 and probability of bikes is also 0.5. कुछ और होने से पहले, ठीक है? उसके बाद अब आपका क्या है? फिर आपने क्या किया? Probability of cars given probability of आपके पास four wheels given car, कि आपके पास जो है वो कार आपको पहले से पता है तो उसमें four wheels होने की probability कितनी आपके पास आ रही है. Probability of four wheels given it's not a car, वो probability क्या है. ये सारी की सारी probabilities ना आप अपने data से निकाल रहे हैं, और फिर जब नई चीज़ आ जाती है तो अब आप क्या निकालना चाहेंगे कि what will be the probability of it being a car given कि उसके four wheels थे. ठीक है, अब दोनों के ना वो चीज़ें चेंज हो गई हैं कि आपके पास पहले जो था आपको पता है कि कितनी कार्स हैं, आपको पता है कि कितनी बाइक्स हैं, फिर आपने ये देख लिया है कि अगर वो कार थी तो उसके व्हील्स कितने थे.
probability of 4V is given car, probability of 2V is given car, probability of 4V is given bike, probability of 2V is given bike. ये सारे आपको अपने training set से या data जो already मौजूद है उसमें से मिल रहा है. और अब आपका कोई नया आ जाती है, कोई भी जो है एक नया आपके पास बाइक या वो आ गई, कोई भी नई पिक्चर आ गई है. नाउ यू वांट टू एक्चुअली फाइंड के प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग द कार गिवन के इसके पास फोर व्हील्स हैं. तो अब आप क्या करेंगे, प्रायर प्रोबेबिलिटी को जाके देखेंगे कि अच्छा अगर फोर व्हील्स थे तो कार होने की कितनी प्रोबेबिलिटीज थी, उसकी बेस पे यू विल फाइंड कि अब कार होने के कितने चांसेस हैं, जबकि मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि इसमें फोर व्हील्स हैं. I hope कि यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि आप शुरू में जो चीज़ है वो हमें पहले से पता है कि कौन से किस कैटेगरी में, वहाँ से हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं. और फिर अननोन जो है, अननोन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि एक नई चीज़ आई है जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि ये इनमें से कौन सी क्लास में है या कौन से कैटेगरी में है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालने की कोशिश करते हैं बेस्ड अपॉन जो चीज़ें हमने पहले से कैलकुलेट की होती हैं. ओके, सो लेट्स मूव बैक फॉर द एग्जाम्पल. प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड पेशेंट अब कितनी हो जाएगी, आपके पास 100 कोविड हैं, टोटल सैम्पल साइज जो है वो 1000 है, तो इसका मतलब है इट विल बी 100/1000 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0.1. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कोविड कितनी हो जाएगी जी, आप कोई बताएगा कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कोविड? 9/10. हाँ जी, 900/1000 विच मीन्स के 9/10 या 0.9. ठीक है, और इसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं बिकॉज देख लें दो ही है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर कोविड 0.1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कोविड जो है वो 1-0.1 होना चाहिए बिकॉज ओवरऑल जो है वो सैम्पल की पॉइंट. तो ये यहाँ से भी निकल सकती है या ये कि इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अच्छा अब जो है लेट सपोज कि हमने टेस्ट किया, इन सारों का हमें पता है कि 100 जो थे वो कोविड हैं और 900 नॉन कोविड हैं, और इन सब को हमने जो है वो टेस्ट किया है. ठीक है, एंड वी फाउंड कि हमें, अब हम देखें टेस्ट करने के बाद क्या क्या हमें प्रोबेबिलिटी मिल सकती है. लेट सपोज के एक तो हमें ये चीज़ है तो हमें पता चल गई है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कोविड. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड हमें पता है, नॉन कोविड हमें ये पता है कि कौन सा पर्सन जो था वो कोविड था, कौन था नॉन कोविड था. अब लेट सपोज कि मैंने टेस्ट किया है और टेस्ट का रिजल्ट क्या आ सकता है, टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है या टेस्ट नेगेटिव आ सकता है. ठीक है, टेस्ट के बाद जो है या तो पॉजिटिव आया था या नेगेटिव आया था. अब व्हाट आई एम फाइंडिंग इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट गिवन कि मुझे ये पता है कि कोविड पेशेंट है. ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि दिस इज एक्चुअली दिस विल बी काइंड ऑफ अ ट्रू प्रोबेबिलिटी. कि आप देखें ना, जितने भी कोविड के पेशेंट हो उनको उसूलन तो पॉजिटिव ही आना चाहिए. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर. सो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज कि मेरे पास देखें नॉन कोविड है और नॉन कोविड है. ठीक है, अब हमारे पास जो है हमने क्या किया है कि टेस्ट किया है. ठीक है, और टेस्ट करने के बाद जो है अगर आपके पास या इसको एक्चुअली इसमें ये फिगर बनाना ज़रा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस थिंग, और फिर कम्युनिकेशन की एग्जांपल में जो है वी विल ट्राई टू, क्योंकि चैनल की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, सो दैट वुड एक्चुअली मेक्स दैट थिंग ईजियर. ये क्लासिफिकेशन की बात है, सो वी विल जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड का क्या मतलब है कि अब आपके पास जो कोविड की आपने पहले क्या किया, हमने जितने भी कोविड के लोग थे यानी 100 लोग थे उनको उनका टेस्ट चेक किया कि उन 100 में से जो है वो टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव कितने आए. एंड लेट्स सपोज के 0.85 जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड आ गया है, यानी कि कोविड का पता था और उसके पास जो पॉजिटिव के रिजल्ट जो हैं वो हमें मिले हैं वो 85% लोगों के मिले हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ होगी, अब देखें देर आर फोर पॉसिबिलिटीज़ जो कि हमें फोर रिजल्ट होंगे जो कि हमें मिलेंगे. आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड था, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड नहीं था. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट नेगेटिव गिवन कोविड था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट नेगेटिव गिवन कोविड नहीं था.
अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड भी हाई होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट नेगेटिव गिवन नॉट कोविड भी हाई होनी चाहिए, राइट? बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर हम टेस्ट जो है हमारा अच्छा रिलायबल टेस्ट है तो नॉन कोविड वालों को ज्यादा नेगेटिव आना चाहिए रिजल्ट और कोविड वालों को ज्यादा पॉजिटिव आना चाहिए. तो लेट्स सपोज कि ये तो 0.85 है, ये हमारे पास 0.8 है कि 80% लोग जो थे ना जो कि नेगेटिव थे वो नेगेटिव ही आ रहे हैं रिजल्ट के बाद और 85% जो है वो पॉजिटिव थे एंड वो पॉजिटिव ही आ रहे हैं. अब मुझे कोई बताएगा कि व्हाट विल बी दीज प्रोबेबिलिटीज, ये कैसे निकालें? व्हाट विल बी द पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड नहीं था? नहीं, बेस थ्योरम जो है ना वो तो हम उस वक्त लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर एक नया पर्सन आ रहा है उसको कोविड होने के क्या चांसेस हैं गिवन कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है. ठीक है, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव कोविड हो, कोविड का हमें पता है तो जो रिजल्ट आया है उसके पॉजिटिव होने के क्या चांसेस हैं. ये 0.15 होगा. कौन सा वाला 0.15 होगा? ये जो कि टेस्ट पॉजिटिव और नॉट कोविड. टेस्ट पॉजिटिव और नॉट कोविड. ओके, देखें आपके पास, जी जी बोलें कोई और. अब आपके पास क्या है, हमारे पास नॉन कोविड, अब हमारे पास ना एक हम सिर्फ नॉन कोविड के सेट की बात करते हैं 900. ठीक है, तो अब इसमें से आपके पास इन 900 में से 80% जो है वो हमें पता चल गया है कि नेगेटिव टेस्ट आया है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो आपके पास हैं वो पॉजिटिव आए हैं. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स अब हमारे पास नॉन कोविड के लिए दिस इज द होल सेट, यानी दिस इज 100% हमारे पास जो है. तो इसमें से अगर 80% जो है वो नॉन कोविड आ गए हैं तो दिस जो ये नंबर है पॉजिटिव, दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 1 - 0.8 बिकॉज नेगेटिव हमें पता है कि गिवन नेगेटिव थे, लेकिन अब बाकी जो हैं जितने भी नेगेटिव यानी कोविड नहीं था और नेगेटिव आए हैं तो बाकी जितने 900 में से बच गए हैं इसका मतलब है कि उनको भी कोविड नहीं था मगर वो पॉजिटिव आ गए. ठीक है, और सो इट मींस के सिंपली 1 में से मैं इसको माइनस कर सकती हूँ, सो इट विल बी 0.2 एंड व्हाट विल बी दिस थिंग. अब कौन बताएगा, दिस शुड बिकम ईजियर. इस विल बी इक्वल टू कि अब आपके पास कोविड था तो 85% उसमें से जो है वो पॉजिटिव ही टेस्ट रिजल्ट है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0.15 जो है वो मेरे पास कोविड था लेकिन वो नेगेटिव आ रहे हैं. अच्छा, अब एक चीज और, अभी फिलहाल मैं ना इन टर्मिनोलॉजीज की यानी ये जो भी मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं इनके नाम नहीं डिफाइन करती, लेकिन यू विल सी के दीज आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटीज. और अगर कभी आपने जाके क्लासिफिकेशन वगैरह मशीन लर्निंग पढ़ी तो यू विल सी के कॉन्फिडेंस हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है वो हम स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन करते हैं एंड दे आर एक्चुअली डिफाइंड बाय यूजिंग दीज कंडीशनल प्रॉबेबिलिटी. क्या आपके पास पॉजिटिव यानी क्लासेस हैं, नंबर ऑफ क्लासेस हैं तो उन क्लासेस में से अगर सही आप करेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं. देखें ये जो दो चीज़ें हैं दीज आर एक्चुअली दो क्लासेस हैं ना हमारे पास, एक तो यह कि कोविड है दिस इज क्लास 1 एंड नॉन कोविड जो है दिस इज क्लास 2 और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या तो है या नहीं है. ठीक है, और इसमें से जो है दीज आर द करेक्ट आंसर्स कि टेस्ट पॉजिटिव है जब कोविड है और टेस्ट नेगेटिव है जब कोविड नहीं है. सो दीज आर एक्चुअली समथिंग विच यू शुड बी वेरी हाई. दीज आर इनकरेक्ट आंसर. ठीक है, और इनके हम बेसिकली वी डिफाइन स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज फॉर देम एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप आगे जाके जो है कभी उसको पढ़ेंगे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल फिलहाल जो है आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू मोर फर्दर टर्मिनोलॉजीज अबाउट देम, बट ये कि हमारे पास ये रिजल्ट आ गए. अच्छा, अब एक जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो ये कि यहाँ ना मैंने थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है. ठीक है, सो जस्ट करेक्ट इट. दिस शुड बी एक्चुअली दिस शुड बी 0.2 एंड दिस शुड बी 0.15.
ठीक है. अच्छा एनीवे अब हम अब देखें अब क्या है निकालना क्या है हमने. वी वॉन्ट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि अब क्लासिफिकेशन में क्या है जिस तरह वही एग्जाम्पल बच्चे की समझने की कोशिश करें कि कार और या ये कि किसी मशीन की के कार्स और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने उसको दे दी है. एंड नाउ वी आर गिविंग एट एन अदर केस. एक नया केस आ गया है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कोविड है कि नहीं है. ठीक है अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग कोविड प्रोवाइडेड दैट इट टेस्ट पॉजिटिव. ठीक है सो अब आप देखें इससे पहले जो हमारे पास सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या हैं. प्रोबेबिलिटीज ऑफ कोविड है प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट कोविड है प्रोबेबिलिटीज टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड है पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट नेगेटिव गिवन नॉट कोविड है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन नॉट कोविड है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट नेगेटिव गिवन कोविड है. अब हम क्या करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड गिवन टेस्ट पॉजिटिव. तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब हम बेस रूल्स लगा के कर सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड ओवर समेशन ऑफ हमारे पास पार्टीशन कितनी है दो ही है 1 to 2 और लेट मी जस्ट नॉट राइट इट लाइक दिस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव गिवन कोविड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव ओवर कोविड गिवन कोविड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक मिनट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव हाँ देखें एक्चुअली यहाँ पे जो है ना लेट मी राइट एक मिनट ये जो है ना डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव हम बेसिकली ये आना चाहिए. ठीक है अगर आप अगेन बेस रूल जो है ना वो मैं दोबारा से यहाँ पे एक साइड पे लिख भी देती हूँ कि अगर मेरे पास जो है वो व्हाट इज इट टेलिंग मी मैं ये एग्जांपल एक्चुअली ख़त्म करना चाहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पार्टीशन जो है बी जे गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जे इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे divided by probability of A. ठीक है तो अब मेरे पास जो है वो ये A given BJ अब देखें C given A TP है test positive इसका मतलब C is BJ. ठीक है test positive is A और बाकी हम इसी हिसाब से कर लेते हैं. अब मुझे बताएंगे what will be the probability of test positive. अब हमें नजर आ रहा है ना it will be equal to probability of test positive given C into probability of C by total probability law of total probability जो हमने पिछले उसमें किया था plus probability of test positive given not COVID था times probability of not COVID. ठीक है कि हमने दो ही चीजें ना हमें इन दोनों केसेस में पता चला है कि probability जो है वो पॉजिटिव आई है गिवन कोविड में भी और नॉन कोविड के केस में भी. ठीक है एंड वी नो के जो हमारे पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है वहां से ये फॉर्मूला हमारे पास आता है. सो इसका मतलब है कि यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल टेस्ट पॉजिटिव निकाल सकते हैं हमें ये सारे नंबर्स पता है. ठीक है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट पॉजिटिव निकल आया वो निकालने के बाद हमने इस फॉर्मूले में पुट किया तो अब हमें क्या मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड गिवन टेस्ट पॉजिटिव ये एक नंबर आ जाएगा हमारे पास. सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड गिवन टेस्ट नेगेटिव. ठीक है उसका फॉर्मूला आप खुद देख लीजिएगा और क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं मतलब हम देखें ना हम क्या करना चाह रहे हैं डिसाइड कि इसको कोविड वाले क्लास में हमने रखना है या नॉन कोविड वाले में रखना है क्योंकि जो पहले से पता थे वो तो पता थे ये एक नया केस आया जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता सिवाय इसके कि हमें ये पता है कि इसका टेस्ट पॉजिटिव आया था या टेस्ट नेगेटिव आया था. तो जब हम ये दोनों प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और इनमें से जो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगी
हम उस केस में उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी कोविड गिवन टॉस पॉजिटिव आ जाएगा या ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कोविड गिवन आ जाएगा, ये मैंने जो है ना थोड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड गिवन पॉजिटिव और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन कोविड गिवन पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव, ये दोनों निकाल लेंगे और इसमें से जिसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो वी विल से कि अच्छा जी बेशक टेस्ट पॉजिटिव तो आ गया है लेकिन इट शुड बी गो टू नॉन कोविडिव या कोविड, क्योंकि हमें दो क्लासेस हैं जिसमें से इसको डिफ्रेंशिएट करना है. ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. और अब हमारा टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया तो दूसरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवा पाऊँगी, बट ये एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर है मौजूद हुई हुई और इसमें से जो है वो मैंने सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड गिवन टेस्ट पॉजिटिव. आप इन्हीं वैल्यूज़ को लगा के जो है ये एग्जाम्पल में इसको कंप्यूट कर सकते हैं. एंड देन आई वुड एडवाइज़ कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कोविड गिवन टेस्ट पॉजिटिव भी निकाल लीजिए, आपको सारे के सारे जो हैं वो नंबर्स मौजूद हैं यहाँ पर. और उसके बाद जो है सी मेरे हिसाब से जो है इट शुड बी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड गिवन टेस्ट पॉजिटिव शुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है, विच मीन्स कि हम ये कहेंगे कि अच्छा ये जो नया पर्सन आया है ना इसको कोविड वाले केस में डाल देना चाहिए क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो टेस्ट पॉजिटिव के बाद ही आ रही है. बट द थिंग इज के दिस इज़ हाउ बेस लॉ इज़ यूज इन क्लासिफिकेशन, कि आप जो है बेस्ड अपॉन कि आपको आइडियल 100% तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि एक बिल्कुल ज़ीरो मिल जाए और दूसरा बिल्कुल 100% मिल जाए, ठीक है. और इसके लिए एग्जांपल अगर कोविड वाले से इतना नहीं होता तो जस्ट ट्राई टू कीप द बाइक्स और कार की एग्जांपल अपने जहन में. तो इसमें से अब आपके पास दो केसेस थे कोविड और नॉन कोविड के, और जो एट्रीब्यूट या फीचर हमने जो लिया जिसकी बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट दिस फीचर के टेस्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, ठीक है. जिस तरह अगर आप कार की एग्जांपल से लेते हैं तो नंबर ऑफ व्हील्स चार थे या दो थे, और उसके बाद क्या होगा अगर हम उसमें एक और फीचर कोई ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कार के केस में कहा था कि क्लोज है या ओपन है, तो उसी तरह से इस केस में व्हाट कैन वी ऐड, वी कैन ऐड दिस इंफॉर्मेशन कि जी एज ग्रुप क्या था, यंग था या ओल्ड था, ठीक है. एंड देन दैट वुड बी समथिंग अगेन जिसकी डिपेंडेंसी हम देखेंगे एंड देन वी कैन कंबाइन द थिंग्स टुगेदर और मे बी ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन हम कर पाए. बट द थिंग इज के वी कैन कीप ऑन एडिंग द एट्रीब्यूट्स और फीचर्स और उसकी बेस पे हमारा डिसीजन जो है वो रिफाइन होता जाता है. बट दिस इज ऑल classification is all about. Okay, chale let us stop here. Aur isko I would advise ki agli class se pehle isko dekh lijiyega. I will try ki main isko upload bhi kar dun aur